नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जिस तरीके से कश्मीर घाटी में इस समय माहौल जो है वो दहशत का बना हुआ है, आए दिन जहां पे टारगेट्स किलिंग हो रही हैं, वहीं आज बैंक मैनेजर जो इलाकाई देहाती बैंक में कुलगाम के अंदर पोस्टेड थे, उनको गोली मार के उनकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में जो है इस समय जो विजुअल्स हमें कश्मीर घाटी से आ रहे हैं वो काफ़ी जो है इस समय खौफनाक हैं। आप देखें, श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर जो नॉन लोकल्स हैं इंक्लूडिंग डोगराज और कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो हैं वो वहाँ पे एकत्रित हुए हैं, कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी से बाहर आने की जो है वो उनकी इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। वहीं एक और विजुअल जो हमारे सामने आया है वो मटन के इलाके से आया है। यहाँ पर कश्मीरी पंडित समुदाय के मुलाजमा जो PM पैकेज के तहत वहाँ पर पोस्टेड थे और सेवारत थे, वो भी कश्मीर घाटी से बाहर आने की जो है बात कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से माने तो एक जो है मैसेज कश्मीरी पंडित समुदाय के PM पैकेज के तहत दिया गया है कि वो आज तक जो पिछले 15 से 20 दिन में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब से पंडित राहुल भट्ट जी की हत्या हुई थी बड़गाम जिले में, उसके बाद से उन्होंने वो प्रोटेस्ट बंद कर दिया और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कश्मीर घाटी के अंदर समय सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं है और दहशतगर्दी का माहौल है, तो जिसके चलते वो है कश्मीर घाटी से अभी बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर सूत्रों के हवाले से खबर से माने तो उन्होंने एक मैसेज और सर्कुलेट किया है कि जिसके तहत वह कल कश्मीरी पंडित समुदाय PM पैकेज के तहत जो मुलाजमत लगे हैं वो नवयुग जो टनल है वहाँ तक आएंगे और उसके बाद जो है जम्मू से जो जम्मू की तरफ कूच करेंगे, और उन्होंने अनंतनाग एडमिनिस्ट्रेशन से और कश्मीर डिवीजन के एडमिनिस्ट्रेशन से जो है रिक्वेस्ट की है कि उनको सही सलामत जो है नवयुग टनल तक पहुंचाया जाए। टारगेट्स किलिंग के चलते जो है वो कश्मीर घाटी से अभी एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं प्लान हमें बाहर देखने को मिल रहा है। पिछले साल अक्टूबर माह 2021 में भी ये सारी चीज़ें देखी गई थी, जहाँ पर उस समय वहाँ के लेबरर जो थे वो बाहर आए थे, और वहीं अभी देखें तो वहाँ पर कश्मीरी पंडित समुदाय हो या नॉन लोकल्स हों या लोकल डोगराज हों, वो सारे के सारे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं मैं बात करूँ कश्मीर घाटी की, तो टारगेट्स किलिंग जो है वो वहाँ पे पिछले कुछ दिनों से बढ़ गई हैं। जहाँ पहले हमने देखा कि पुलिस कांस्टेबल जो अपने घर के बाहर थे उनको वहाँ पे शूट आउट किया गया, उसके बाद जो एक लोकल थी कश्मीर से एक्ट्रेस उनको उनके घर के बाहर शूट आउट किया गया, उसके पहले जो है राहुल भट्ट को, उसके बाद रंजीत सिंह को, और अभी रजनीवाला को, और आज विजय को एक बार फिर जो है शूट आउट किया गया। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के ऊपर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। जिस तरीके से सुरक्षा का माहौल जो है वो कश्मीर घाटी में गिरता हुआ नज़र आ रहा है, उसको जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट से यही गुजारिश रहेगी कि इन सारी चीज़ों के ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लें और ये जो सारी इस समय माहौल बना हुआ है कश्मीर घाटी के अंदर उसमें कुछ जो है बेहतरी आ सके। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल के साथ। कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।